हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है ना, उसे बनाने वाली हूँ मैं मूंग दाल। और आटे से बहुत ज़्यादा हेल्दी है, साथ में टेस्टी भी। तो यहाँ पर मिक्सिंग बोल में डालेंगे हम एक कटोरी मूंग दाल, जिसे मैंने ओवरनाइट गला दिया था। साथ में बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है जिंजर, साथ में बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। और यहाँ पर गार्लिक डालना आप बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चिली फ्लेक्स डालेंगे साथ में हम इसमें, अजवाइन, हल्दी, नमक। और उसके बाद मैंने रेसिपी को चटपटा बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच डाला है अचार का मसाला। बस उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी कटोरी आटा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बेसन या रवा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सारी चीज़ें, मसाले, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले आप पानी ऐड ना करें, सारी चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छे से, और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। एक साथ पूरा पानी ना डालें, नहीं तो जो डो है ना वो गीला हो जाएगा। तो डो को जितने अच्छे से हो सके ना मसल लीजिए। जितने अच्छे से आप इसे मसलेंगे, उतने अच्छे से हमारी ये जो रेसिपी है ना वो बनेगी। तो बस यहाँ पर मैंने लोई ले ली थी, उसे नॉर्मल जो लोई बनाते हैं ना, आप इस तरह से ले लें, डस्ट कर लें और इसे इस तरह से बेल लें। इसके बाद हम इसमें लगा लेंगे तेल, जैसे आप पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका बनाना है पराठा। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे नहीं खाते हैं मूंग दाल, तो आप इस तरह से उनको बनाकर खिलाएं, यकीन मानिए बड़े शौक से खाएंगे। तो यहाँ पर पराठा मैं बना चुकी हूँ, उसके बाद मैं इसकी बेल लूँगी रोटी। तो यहाँ पर पतली नॉर्मल जैसे आप रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बेलना है हमें रोटी। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इस तरह से रोटी बनाकर खाइए। तवा मैंने यहाँ पर पहले से ही गर्म करने रख दिया था, अलट पलट कर आप इसे अच्छे से सेकें। गैस का जो फ्लेम है ना, वो हमें लो मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पर उसके बाद निकालने के बाद आप इसमें गर्मा गर्म घी लगाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी ये रोटी खाने में। अब यहाँ पर हम सेक लेंगे पराठा। तो पराठा बिना तेल के तो अच्छा लगता ही नहीं, तो यहाँ पर आप चाहे तो इसमें घी लगा लें, या तो फिर आप रिफाइंड ऑयल से इसे सेक लें। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये पराठा खाने में। आप इसे सर्व करें हरी चटनी, दाल, सब्जी, जिसके भी साथ आप पसंद करते ना, उसके साथ आप इसे इंजॉय करें। ट्राई तो बनता है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।